आने वाली 5 तारीख को हमने मतदान करना है और पिछले 16 सालों से आप सभी को बताएं मंत्री जी आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। इन 5 सालों के दौरान कामों का भी आप लोगों को पूरा पता है कि क्या क्या अपने हफ्ते में काम कराए हैं, चाहे बिजली का हो, चाहे नहरों में पानी डालने का हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो। तो इन चीज़ों के लेके आगे हम आपके बीच में आए हैं और आपके बीच में वोट की फोटो भी अपेक्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये 3-4 चीज बोलना चाहूँगा कि पिछले 40-50 सालों में आपने सारे पार्टियों के कैंडिडेट देखे होंगे, आप सभी उन सभी को आपने जिता के भी भेजा है यहाँ से। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि उन 40 सालों में काम ज़्यादा हुए थे या इन 10 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी में जो काम करें आप लोग बताओ, आपको बताया तुम लोगों को। तो मैं तो ये सभी कहूँगा भी अगर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आप लोगों के पास आते हैं, वोटों की अपील करते हैं, तो मैं इसे ये कहूँगा कि उनसे ये पूछो कि जो आपकी पार्टी थी उनने आज तक हमारे अपील करा क्या है। जब हुड्डा की सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, रोहतक की जो दल थी, तो रोहतक की जो दल पिवाणी में आकर तो खत्म हो जाया करती थी। आप सब ये पूछो कि भाई ये जो सड़क जो हाईवे बना रखा था रोहतक वाला, वो भिवाणी सीम में आकर ही टूटे और टूटा कैसे हो जाता था। तो आप सब लोग समझदार हो, आप कैंडिडेट से ये पूछ सकते हो कि भाई जब कहाँ थे आप लोग या आपकी पार्टी कहाँ थी। तो मैं तो सब ये कहूँगा ये आपके पास आएंगे लालच नहीं है, आप लोग समझदार हो, लोहारू की जनता समझदार है, उनने ये देखा है कि भाई इन 10 साल के दौरान काम किसने कराए हैं। तो आप लोग ये देखो कि ये जो दूसरे कैंडिडेट वोट मांग रहे हैं ये तो गुंडागर्दी फैला रहे हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बेशक गरबा के सरपंच के साथ मतलबाई करी, लोहारू में 4-5 रेडियो वालों के साथ मतलबाई करी। तो ये तो जी देखो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कैंडिडेट है तो उनको अपने आदमियों को भी समझाना चाहिए, समाचार हो रहा है ये तो गुंडागर्दी फैलाई जा रही है। और ये तो ये हाल है कि इलेक्शन टाइम पे ये हो रहा है तो बाद में तो भाई साहब ये मिनट के करेंगे। तो ये तो सारा गुंडा ढोल जो है आपने दिख रहा है, समाज खराब हो रहा है। रात में जितने भी लोग इनके साथ घूम रहे दारू पी के घूमा सबने भी आप सबने, मैं तो देखो आप छोटा हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि चल क्या रहा है। लेकिन आप लोगों को ये सोचना है कि एक 5 साल के दौरान क्यों काम करें उसके नाम पे वोटों की अपील करनी है, आप जहाँ जा जाओगे और ये देखना है कि भी आपके हल्के में काम कौन करा सकता है। तो मैं तो यही आपसे निवेदन करूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने काम को देख के अपने पास इन कामों की कमी नहीं गिनाने की। हल्के में 4,000 करोड़ रुपये काम हो रखे, गिनाने में लगोगे तो आदमी अगला पूछेगा कि भाई बस रेंट दे और ना, सारे काम हमने कराए हुए हैं। तो दूसरे से ये देखो कि कैंडिडेट क्या पूछेगा कि क्या काम कराओगे भाई, नहरे पानी आ गया, मुआवजा अच्छा लग रहा है भाई, अपने बहन के लिए आप ये देखो माहौल गुंडा टोल में जो भारत था उसमें बिल्कुल रोक लगा रखी है। तो भाई अपने को फायदा ये है कि भाई सरकार में आपका सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी, मैं कह रहा हूँ हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी। जो जो उस साइड के जो आदमी घूम रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप लोग 5 तारीख को एक एक वोट पोल करवानी है। भाई यू ना हो यू आप जीत रहे हैं सुते सुबह जाओ, एक एक वोट पोल करा के शाम के 6 बजे तक तब तक ढोल में भर नहीं जा जब तक आपको शांति से नहीं बैठना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ भाई एक एक वोट अपने चाहे विस्तार हो चाहे कोई बाहर भी जा रहा हो भाई अपने वालों से कोई बाहर भी जा रहा हो उनको भी बुलाओ और ज्यादा से ज्यादा मदद करो और शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन चलाओ। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ बहस नहीं करनी, हमने सिर्फ अपने काम गिनाने पर। तो आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद।